वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं टॉप 500 MCQs की जो सीरीज है और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप देखेंगे ये जो क्लास है डेली रात को 9 बजे आती है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इन क्लासेस की और आसानी से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं क्योंकि इससे पहले भी कई सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट किए जा चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी के टॉप 1000 क्वेश्चंस हो चुके हैं पार्ट वन और पार्ट टू करके, साइंस के हो चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आप जब क्लासेस देखेंगे पिछली आपको पता चल जाएगा कि डेली नाइट में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन करें, चाहे वो UPPCS है, RO/RO एग्ज़ाम है, BEO की वैकेंसी आने वाली है, UPSSSC से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है, आपको वहाँ पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं आपको अगर परचेज करना है तो ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन कोर्सेज में आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, PDF नोट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज है, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं और आप देखेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो दिए गए हैं वो आपके सेम जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर उसी ट्रेंड पर आधारित हैं। तो आपको वो कंटेंट चूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आप ऐसा कंटेंट पढ़ें जो कि आपको अच्छा तो लग रहा हो लेकिन सिलेक्शन के लिए सही ना हो। तो जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप UP पुलिस कॉन्स्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको अवेलेबल है कोर्स, मात्र 100 रुपये में आपका कोर्स है और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अदर किसी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया के संबंध में सही चक्र का चयन करें। ऑप्शन ए है नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्राइड बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन बी है नाइट्राइट, नाइट्रेट, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड और फिर नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बनेगा। ऑप्शन सी है नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन डी है नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। डी नाइट्रिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले नाइट्रेट, नाइट्रेट से नाइट्राइड बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और देन नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। चलिए पहले विकल्प देख लीजिए। पहला है उन्नाव में स्थित नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रामसर स्थल है। सेकंड स्टेटमेंट है बुलंदशहर में स्थित ऊपरी गंगा नदी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। कौन सा विकल्प गलत दिया गया है ये बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ना तो पहला ही गलत है ना तो दूसरा, दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। फोर एंड थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन राज्यों के रामसर स्थलों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों की संख्या के बराबर है। ऑप्शन ए उड़ीसा एंड MP, ऑप्शन बी MP एंड गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा और पंजाब और ऑप्शन डी पंजाब और तमिलनाडु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उड़ीसा और MP के बराबर है संख्या में उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों की संख्या से। लेके अभी रामसर स्थल नए और जोड़े गए हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये नए रामसर स्थल और कौन कौन से हैं जो अभी जोड़े गए हैं और अब रामसर स्थल की संख्या कितनी हो चुकी है। अगला प्रश्न है नीचे दी गई आहार श्रृंखला का सही क्रम चुनिए। पहला है मेंढक, कीट, सांप और बाज, अर्थात इस श्रृंखला का मतलब है कि मेंढक को कीट खाते हैं, उसको सांप और फिर उसको बाज खाते हैं। या फिर ऑप्शन बी है कीट को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप और सांप को बाज खाता है। ऑप्शन सी है स्नेक को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को इंसेक्ट और इंसेक्ट को हॉक। ऑप्शन सी है हॉक जो कि बाज है इसको मेंढक खाता है सांप और कीट। इजी सा प्रश्न है, आसानी से आप कर सकते हो। ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि कीट को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप और सांप को बाज खाता है। अगला प्रश्न है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संरक्षित नहीं है।
ऑप्शन ए केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, बी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट और ऑप्शन बी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। 406th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जट्रोपा के बीजों से जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। सेकंड है एंडोसल्फोन एक प्रकार का कृंतकनाशी अर्थात रोडेंटिसाइड है। थर्ड है चमगादड़ प्रकृति का रडार कहा जाता है। कौन से विकल्प हैं जो आपको सही दिए गए हैं, विकल्प आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। जेट्रोपा के बीजों से बायोडीजल या बायोफ्यूल बनाया जाता है और चमगादड़ को प्रकृति का रडार बोलते हैं। लेकिन जो एंडोसल्फोन है ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड होता है, ना कि रोडेंटिसाइड, अर्थात ये कीटों को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। 407th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल खाता है, कोई एक है पेयर जो करेक्टली मैच्ड है। तो पहला है पश्चिम बंगाल में सिंहभूम हाथी अभ्यारण है, ऑप्शन बी झारखंड में मयूर झरना हाथी अभ्यारण है, ऑप्शन सी उड़ीसा में मयूर भंज हाथी अभ्यारण है, और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में बैतामी हाथी अभ्यारण है। तो सारे एलिफेंट रिजर्व्स दिए गए हैं, उनकी लोकेशन पूछी गई है। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, कौन सा सही है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा में मयूरभंज अभ्यारण है। बात करते हैं सिंहभूम हाथी अभ्यारण की, ये कहाँ पर है, ये स्थित है झारखंड में। तो ये बात की जाए अगर झारखंड में 2001 में स्थापित सबसे पहला भारत का पहला हाथी रिजर्व कहा जाएगा जो कि सिंहभूम हाथी अभ्यारण है। मयूर झरना हाथी अभ्यारण पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। और ये जो बेतामी हाथी अभ्यारण है ये उड़ीसा में है, ठीक है, कहाँ याद रखेंगे, उड़ीसा में। हाथी अभ्यारण अर्थात जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं इनको आप याद रखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। जैसे कि मयूर झरना हाथी अभ्यारण है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो पश्चिम बंगाल में है, सिंहभूम झारखंड में है, मयूरभंज उड़ीसा में हो गया, महानदी हाथी रिजर्व है उड़ीसा में, इसके अलावा बेतामी अभी हम लोगों ने पढ़ा उड़ीसा में और भी हैं, और छत्तीसगढ़ में लेमरू हाथी रिजर्व है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है, लेमरू वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कामेंग अरुणाचल प्रदेश में है, असम में सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व है, असम में दिहिंग पटकाई भी एक एलिफेंट रिजर्व ही है, इसके अलावा काजीरंगा है, कार्बी अंगलोंग है, ये सारे हैं इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आप एलिफेंट रिजर्व जो इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं आप इनको एक मैप पर लोकेट करके याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 408th क्वेश्चन है और इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया, एक विकल्प है जो इनकरेक्ट है उसको देख करके उत्तर देंगे। तो ऑप्शन ए भारत की सबसे उत्तरी रामसर स्थल वूलर झील दी गई है, ऑप्शन बी है भारत की सबसे पूर्वी रामसर स्थल रुद्र सागर झील दी गई है, ऑप्शन सी भारत की सबसे पश्चिमी रामसर स्थल नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, और ऑप्शन डी है भारत की सबसे दक्षिणी रामसर स्थल अष्टमुदी झील है। ऑप्शन देख करके गलत विकल्प का चयन करना है, तो क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन बी भारत की सबसे पूर्वी रामसर स्थल में रुद्र सागर झील ना होकर के ये लोकटक झील होगी, ठीक है, जो कि मणिपुर में स्थित है, ठीक है, और ये जो रुद्र सागर झील दी गई है ये त्रिपुरा की है। अगला प्रश्न है उस सही क्रम का चयन करें जो निम्नलिखित राज्यों के मैंग्रोव आवरण के क्षेत्रफल के घटते क्रम को दर्शाता है। ये ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इनको देख करके आपको सही उत्तर चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी उड़ीसा गोवा कर्नाटक और केरल। सबसे कम जो मैंग्रोव है वो केरल में है, उससे अधिक कर्नाटक में है, फिर गोवा और सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में बताना है कौन सा कथन गलत है। देखिए जो भी आपके एग्ज़ाम के पास तक जो भी लेटेस्ट डेटा होगा, जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई होगी उसी से आपसे प्रश्न बनेंगे, उसी से पूछा जाएगा। किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं वो आप इनसे आइडिया लगा सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कुल मैंग्रोव आवरण जो है 4992 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी है मैंग्रोव आवरण में 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी है 2019 की तुलना में केवल गोवा में मैंग्रोव की कमी आई है। और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में देश का 41.74% मैंग्रोव का आवरण मौजूद है। इसमें जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैंग्रोव हो गया या वन स्थिति रिपोर्ट जो है भारत की, उत्तर प्रदेश की, दोनों ही तैयार रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में वन आवरण का प्रतिशत सबसे कम है। ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे कम है इनमें से नागालैंड में। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सा सही विकल्प है। तो पहला दिया गया है विश्व वन्य जीव कोष ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। सेकंड है बेसल कन्वेंशन बेसल स्विट्जरलैंड में है। थर्ड है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कौन से विकल्प सही दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। बेसल कन्वेंशन बेसल स्विट्जरलैंड, बट जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है ये यूनाइटेड किंगडम में है, ना कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन शीर्ष चार राज्यों में से नहीं है जिन्होंने हाल के अपडेट के अनुसार वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन बी झारखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा COP26 में की गई निम्नलिखित घोषणाओं के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। पहला है 2030 तक 1000 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना। सेकंड ऑप्शन है 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% अक्षय ऊर्जा से। ऑप्शन सी अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी। और ऑप्शन डी है 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। कोई एक कथन है COP26 से रिलेटेड जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2030 तक 500 गीगावाट, यहाँ पे 1000 नहीं होगा 500 होगा, 500 गीगावाट गैर जीवाश्मी ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना लक्ष्य रखा गया है। बाकी सारे लक्ष्य भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस दिया गया है। बी है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। सी है 21 सितंबर को विश्व मृदा दिवस और 26 जुलाई को शून्य उत्सर्जन दिवस दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए हो जाएगा ऑप्शन बी 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस हो जाएगा 26 जुलाई, शून्य उत्सर्जन दिवस 21 सितंबर को और विश्व मृदा दिवस हो जाएगा 5 दिसंबर को। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। 416 क्वेश्चन है, तमिलनाडु ने हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राज्य के 2 जिलों में लगभग 11,806 हेक्टेयर भूमि में पहले कुडवूर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण की स्थापना की मंजूरी दी है। उन 2 जिलों के नाम बताने हैं। ऑप्शन ए है कडलोर और धर्मपुरी, ऑप्शन बी है करूर और रानीपेट, ऑप्शन सी सलेम और कोयम्बटूर और ऑप्शन डी करूर और डिंडीगुल। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, करूर और डिंडीगुल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। अब इसमें परम्बिकुलम है, पेरियार है, सत्यमंगलम है और नागरहोल है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनको देख करके आपको दक्षिण से उत्तर की ओर अर्थात साउथ से नॉर्थ की ओर अरेंज करना है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा पेरियार, पेरियार के बाद है परम्बिकुलम, उसके बाद सत्यमंगलम है और लास्ट में नागरहोल है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पेरियार परम्बिकुलम सत्यमंगलम और नागरहोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। इसमें बेतला है, बांधवगढ़ है, वन विहार है और डायनासोर फॉसिल्स है। सारे ऑप्शंस देख करके सही उत्तर देना है और इनको बनाना है ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन ऐसी रखनी है आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सबसे पहले बांधवगढ़ है, उसके बाद वन विहार, फिर बेतला है, फिर डायनासोर फॉसिल्स है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है भारत में पहाड़ी जिलों की कुल संख्या 140 है। ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर में पहाड़ी जिलों की कुल संख्या सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन सी भारत में आदिवासी जिलों की कुल संख्या 218 है और ऑप्शन डी राज्यों की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, जो गलत विकल्प है कि राज्यों की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये गलत दिया गया है। बाकी सारे ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं, जबकि आदिवासी जिलों की सबसे ज़्यादा संख्या है मणिपुर में, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है भारतीय मानक संस्थान वर्ष 1947 को अस्तित्व में आया था। ऑप्शन बी है भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1982 में की गई थी। ऑप्शन सी भारतीय मानक संस्था का निशान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किए जाने वाला प्रमुख मानक चिन्ह है। ऑप्शन डी एगमार्क, भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय 1935 में स्थापित
द्वारा जारी एक गुणता प्रमाणन चिन्ह है। इनमें से एक विकल्प गलत है और वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय मानक ब्यूरो, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, 23 दिसंबर 1986 को, ना कि 1982 में। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट दिए गए हैं। तो ये हो गए आज के एनवायरनमेंट के क्वेश्चन। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए तो आप पहले पॉज कीजिए वीडियो और देखिए वो आंसर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या स्कोर आपका बन रहा है। डेली आप 20 क्वेश्चन ज़रूर मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इतने लंबे वक्त में आपने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इंडियन ज्योग्राफी की है, पॉलिटी की है, हिस्ट्री की है, साइंस के क्वेश्चंस किए हुए हैं, अभी इन्वायरमेंट भी सॉल्व कर रहे हैं। तो टॉप 500 की सीरीज़ है और कुछ सीरीज़ टॉप 1000 की भी हो चुकी है। आपको कोशिश करना है, जो आपने अगर नहीं किए हैं क्वेश्चन तो पिछले आप वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड की गई हैं। इनके अलावा आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं या कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और सारे पेड कोर्सेज की जानकारी दी गई है, आप परचेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।